अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं सब जी? आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार किस्म की चपली कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो सबसे पहले आप लोग जो है जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें जल्दी से, और फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। बहुत मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। सबसे पहले प्याज चॉपिंग का मैं बताती हूँ आपको। और टमाटर को चॉपिंग हो रही है इसकी। तो ये चॉपिंग अभी कंप्लीट हो गई है और तीन जो है वो हम लोग टोमेटो यूज़ कर रहे हैं इसमें। टोमेटो की चॉपिंग हो जाएगी और साथ में जो जो मटेरियल यूज़ हो रहा है मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। सभी साथ साथ जो है वो मसाले डाल रही है। कौन कौन से मसाले चाहिए ये वन बाय वन मैं आपको सारे मसाले बताऊंगी जो जो ये यूज़ करिए, क्योंकि बहुत ही टेस्टी जो है वो कबाब होता है। और मसाले से पहले वो वाला पोर्शन भूल गई। अच्छा ये भी है, ये क्या है सभी जरा इसको एक्सप्लेन करना। ये जी धनिया, वेट, हाँ जी आप बताएं। ये हरा धनिया, अच्छा जी ये कोरिएंडर लीव्स आ गए, ये क्या है? ये जी चिली है, ग्रीन ग्रीन चिली। चिली अच्छा प्लस जी ये ग्रीन चिली है, इसको भी गार्लिक क्रश कर दिया गया है बिल्कुल, इसको बारीक कूटना है ठीक है। और साथ में ये गार्लिक और वो अनारदाना है। अच्छा ये अनारदाना हाँ है। गार्लिक इसमें डाला हुआ है। अच्छा इसमें गार्लिक ऐड करके पेस्ट बना दिया, चिली का और गार्लिक का पेस्ट बना के इसमें रख दिया, और ये अनारदाना है इसको बिल्कुल ऐसे ना कूट लिया गया, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है खट्टा खट्टा, है हाँ ना। बिल्कुल। तो अभी इसकी तरफ और चलते हैं। तो सभी ये पहले बताओ ये क्या है? ब्लैक पेपर, काली मिर्च है जी ये, और कितनी लेनी है? ये 1 टीस्पून 1 टीस्पून ये जो आ गई जी ब्लैक पेपर, देन इट्स चिली फ्लेक्स, क्या है ये, कितने डले हैं, कुटी हुई लाल मिर्च, कितनी डेढ़ लेनी है? चम्मच 1.5 चम्मच ये लेनी है, देन इट्स गरम मसाला, गरम मसाला, और जो कि वन इजीली टी स्पून अवेलेबल होता है हर किसी के पास, मिक्स मसाला है ना, हाँ मिक्स मसाला, या हम इसको गरम मसाला कहते हैं। उसके साथ आगे जी ये साबुत रेड मसाला चिली, होता है, हमने पाउडर के फॉर्म में बनाया हुआ है अच्छा, जो वो डिफरेंट चीज़ें मिला के जो एक मसाला पाउडर बनाया मसाला जाए, है हम। जो स्पाइस मिला के एक मसाला बनाया जाता है, उसको हम लोगों ने बिल्कुल क्रश कर दिया। सॉल्ट अब अपनी क्वांटिटी के लिहाज से लेंगे, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज हमारे घर का मसाला अच्छा ये वही है जो भाया जी की शॉप से मिलता है। इनका होता है भाई जी की शॉप की तरह, मतलब बड़ी शेर हाँ शॉप हमारे मानसेरा में बहुत ज़्यादा ये फेमस शॉप है भाया जी की शॉप, मैं छोटी सी थी तब से इनकी शॉप है और मैं खुद जाया करती थी बचपन में, तो अभी तक उनकी है और बहुत सक्सेसफुल है। उनके पास जो है वो A1 क्वालिटी की आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। फिर आ जाते हैं कमिंग टूवर्ड्स दिस, खुश्क वट धनिया, ओके जी ये आ गया जी खुश्क धनिया और ये ब्लैक पेपर, ये सारे मसाले जाएंगे जी कबाब में। और फिर साथ साथ मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि हम लोगों ने कैसे ऐड किया, कैसे बनाया, क्योंकि कहते हैं ना हाथ में लज्जत भी, और मेरे अबू के हाथ में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लज्जत है, वो बहुत अच्छी चीज़ें बनाते हैं, बहुत रेयर बनाते हैं, जब हम लोग फरमाइश करें तब बनाते हैं, लेकिन वो बहुत मज़ेदार बनाते हैं। तो अभी जो है वो बजन लगे हुए अपने मिशन पे, और साथ में कीमा शीमा जो है वो सभी इसको धो रही है, वो सब कुछ तैयार कर रही है। तो मैं आपको बता दूंगी, बताती रहूँगी साथ साथ सारा जो है वो उसको मिक्स करने का प्रोसेस। तो सबके घर में जी कबाब बनते हैं अपनी अपनी तरह के, सब अपनी अपनी मर्जी के खाते हैं, लेकिन आप लोगों ने एक दफ़ा ये जरूर ट्राई करना है, ये बहुत ही लजीज होते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दोस्त आंटी आए पापा कीमा हाँ, अब जो जो है है वो कीमे को ये मिक्स कर रहे हैं पहले अच्छी से। ये देखिए कितनी अच्छी फॉर्म है। अब सबसे पहले क्या डालेंगे? प्याज, प्याज और सिर्फ प्याज, अच्छा सिर्फ प्याज। बस प्याज डाल अब ये दीजिए। देखिए प्याज जो है वो बिल्कुल इसमें डाल दिया, अब इसको मिक्स करेंगे प्याज को। प्याज का जो है वो हमने पानी भी थोड़ा सा निकाल दिया था ताकि बाद में जो है वो कबाब बनने में प्रॉब्लम ना हो, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है देखिए, जोर से मिक्स, ताकि ये सही से आपस में मिक्स हो जाए दोनों मटेरियल। अब टमाटर, टमाटर की बारी आ गई, अब जो है वो टमाटर को इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने पहले से बहुत छोटे छोटे इसको चॉप किया हुआ था ताकि आसानी से ये मिक्स हो जाए। ये देखिए जी बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, और अब मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार किस्म की जो है वो टेक्निक बता रही हूँ कि कबाब जो है वो टूटे ना और आपस में जुड़ा रहे। तो ये जो टेक्निक है वो ये है कि हम थोड़ा सा इसमें मक्की का आटा ऐड करेंगे ताकि जो कबाब, अक्सर लोगों का ये होता है कि वो कबाब बनाते हैं लेकिन वो सही से पूरी उसकी टिक्की बनती नहीं है, टूट जाती है। तो ये है कि आप जो है वो इसमें थोड़ा सा मक्की का आटा ऐड करें जिसकी वजह से आपका कबाब कभी नहीं टूटेगा। तो ये देखिए हम ऐड कर रहे हैं और अब इसको अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। है उसके बाद इसमें ऐड होगा, हमने एक अंडा जो है वो उसको फ्राई किया है, और जो है वो इसका इसका ये फ़ायदा होता है अगर आप कच्चा अंडा डालते हैं तो उसमें फिर थोड़ी सी अंडे की स्मेल रह जाती है। तो ये जो है आपने अंडे को पहले पकाना है और फिर उसको ऐड करना है। अभी हम ये अंडा ऐड करने, गर्म होगा ये देखिए अंडे को ऐसे मिक्स करना है। आप एक या दो अंडे अपने क्वांटिटी के लिहाज से यूज़ करते हैं, हमने अभी एक ही अंडा यूज़ किया है, हम यूजली दो अंडे यूज़ करते हैं क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और ये देखें अंडा जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है,
और हमारे मानसेरा में तो ये चपली कबाब बहुत ज़्यादा मशहूर है। जो भी यहाँ पे बाहर से कोई गेस्ट आते हैं तो यहाँ की स्पेशलिटी है और हम उनको ज़रूर खिलाते हैं ये। तो अभी आपको बना के दिखाएंगे कितना मज़ेदार है ये। तो अब जी मसालों की टर्न है और मैं मसाले सारे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वन बाय वन वो सारे मसाले ऐड करें। ये देखिए ये सारे मसाले जो हैं वो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अभी ये सारे मसाले मिक्स हो गए हैं। आपने सॉल्ट अपनी क्वांटिटी के लिहाज से यूज़ करना है और बाकी स्पाइस भी आपने अपनी क्वांटिटी के लिहाज से यूज़ करना है, ठीक है। और ये देखिए यह जी मिक्स करने पे बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए होती है, सारा कमाल ही मिक्स करने का होता है। जितना अच्छे से ये मिक्स होगा उतना ही ये मज़ेदार बनता है। ये देखिए सारा कमाल ही इसकी मिक्सिंग का है और बहुत ही मज़े से ये जो है वो बहुत ही अच्छा मिक्स हुआ है। ठहरें, हाँ जी, जैसे आटा गूंदने पे मेहनत की जाती है सेम वैसे ही इस पे भी फोर्स अप्लाई होती है और वैसे ही मेहनत चाहिए होती है, तब जाके कबाब बनता है। जितने अच्छे गूंदेंगे इतना अच्छा कबाब बनेगा जी। ये इसका हैक है कि जितना अच्छा आप इसको गूंदेंगे ताकि इसका एक जो है स्मूथ सा टेक्सचर बन जाए, तब जाके इसका मजा आता है। अब क्या है, अच्छा जी, अब ये अब नेक्स्ट है जी अनारदाना आ गया, जिसको हमने पहले से कूटा हुआ था, और हरी मिर्च, और इसमें लहसुन भी है और धनिया, हरा धनिया। तो अब ये तीनों चीज़ें जो हैं वो मिक्स कर रहे हैं। देखिए सब चीज़ें वन बाय वन हम डाल रहे हैं, इकट्ठी हमने चीज़ें नहीं डाली क्योंकि यही चीज़ होती है, थोड़ा सा इधर करते हैं वहाँ से वो लगेगा। और कितना मज़ेदार और कितना खूबसूरत लग रहा है ये अभी से। तो ये देखें बहुत, ये आप इसको करीब से देख सकते हैं, हर मटेरियल जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा बना। ये भी कच्चा देखिए कितना मज़े का लग रहा है। ये जो है वो टिक्की की शक्ल में आ गई है और सभी ने बहुत ही मज़ेदार किस्म की पतली पतली बनाई है, क्योंकि जो मोटी होती है फिर वो खाई नहीं जाती ना। तो आपको मटेरियल भी क्लियरली नज़र आ रहा है, कितना क्लियर नज़र आ रहा है, बहुत ही मज़े की। और दो एक्स्ट्रा ये हैं और अभी और भी उसने बनानी है। तो ये देखिए बहुत मज़े की बनी है, करीब से भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, और जब इसको फ्राई करेंगे तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी तो कितने मज़े की है। ये ले जी, इसको थोड़ा वो करें। ये देखिए जी, फ्राई हो रहा है। आई लव दिस वॉइस, ये जो आवाज़ आ रही है ना, आई लव इट। तो जैसे ही फ्राई होता है मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस ये देखें कितना मज़ेदार किस्म का जो है कबाब तैयार हो चुका है। मैं तो चली भाई खाने, और अब आप लोगों ने जो है वो इसको ट्राई करना है, मुझे ज़रूर बताना है। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक मिलते हैं, बाय।